हाय गाइस, मेरा नाम है एक्शन। वेलकम बैक टू वर्ड्स में रिव्यू। तो आज का वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मराठी इंडस्ट्री के ऐसे डायरेक्टर्स के नाम जहाँ वो 2024 में बिगेस्ट कमबैक करने वाले हैं। अब मेरे लिस्ट में कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनकी इधर पिछली फिल्में फ्लॉप थी या फिर सालों से इन्होंने डायरेक्शन के काम से छुट्टी ली थी। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते चले वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले डायरेक्टर के साथ जिनका नाम है राजेश मापुसकर, जिन्होंने इससे पहले फरारी की सवारी और वेंटिलेटर नाम की मराठी फिल्म प्रियंका चोपड़ा के साथ जॉइंटली बनाई थी। 2024 में इनकी दो फिल्में आने वाली है, तो चंद्रमा नबा जिसके राइटर एंड डायरेक्टर ये खुद है, और दूसरी फिल्म का नाम है एक नंबर जो मोस्ट प्रोबेबली कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को प्रोड्यूस करे तेजस्वनी पंडित और वरदा नादेडवाला। सो मैं डेफिनेटली चाहूंगा इन दोनों फिल्मों के साथ राजेश मापुसकर अपने डायरेक्शन का मैजिक एक बार फिर रिक्रिएट करें। अब नेक्स्ट डायरेक्टर जो 2024 में बहुत बड़ा कमबैक करने वाले, इनका नाम है संजय जाधव, जिनकी लास्ट फिल्म तमाशा लाइव थी, जिसने लाइव ऐसा तमाशा देखा कि थिएटर में बैठी ऑडियंस गाली देने लगी थी। पर 2024 में अपना कमबैक कर एक मल्टी स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म के साथ जिसका नाम है कलावती, एंड इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस है अमृता खानविलकर। अब इस फिल्म की मोस्ट ऑफ द शूटिंग लंदन में हुई है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि इस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी और फिल्म का डायरेक्शन स्त्री की तरह हो एटलीस्ट। अब मेरे लिस्ट के तीसरे डायरेक्टर है नागराज मंजुले, जिनकी पिछली डायरेक्टरियल फिल्म यानी कि सैराट तो ब्लॉकबस्टर हुई थी और जून हिंदी में आई थी वैसे तो, बट अगेन फिल्म को अप्रिशिएशन तो मिला बट फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई। इससे पहले हम हजारों स्पोर्ट्स ड्रामा देख चुके थे, बट अगेन नागराज मंजुले ने एक ऐसी रॉ फुटबॉल पर बेस्ट फिल्म दिखाई जो आज तक कोई भी बना नहीं पाया था। और अब 2024 में नागराज मंजुले एक बार फिर एक स्पोर्ट्स ड्रामा के साथ कमबैक कर रहे, बट ये हिंदी नहीं बल्कि मराठी फिल्म है जिसका नाम है खाशाबा। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं जियो स्टूडियोस। अब नागराज मंजुले अगर एक फिक्शनल स्टोरी को इतनी इंटरेस्टिंग और यूनिक वे में दिखा सकते हैं खाशाबा, तो फिर भी बायोपिक और वो भी स्पोर्ट्स ड्रामा, इसमें तो वो अलग लेवल पे फिल्म को लेके जाने वाले। सुबोध भावे की लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर 2015 में आई थी, एंड उस फिल्म का नाम था कट्टर कालदास घोसली, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसे झंडे गाड़े कि प्रोड्यूसर्स की जेबें भर गई। आता मराठीत मतलब तो सुबोध भावे पुनः एक था 7-8 वर्षानंतर एज अ डायरेक्टर कमबैक करता है, त्याच्या चित्रपटाचं नाव आहे संगीत मान अपन, आणि या सिनेमाला प्रोड्यूस करते जिओ स्टुडिओज। 2015 मध्ये आली कट्टर कालदास घोसली थिएटर मध्ये रिलीज होता, लोकांच्या काळजात अशी घोसली या सिनेमाने 40 करोडचा बिझनेस केला। तर याबद्दल तुम्हाला काय वाटते, संगीत मान आपण सुद्धा अशा प्रकारचा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करू शकेल? कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा। 2024 यानी की लास्ट इयर भाऊराव नानासाहेब कराडे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आई एम श्योर मेरी तरह वो भी इस साल को भूलना चाहेंगे, क्योंकि टीडीआर नाम की उनकी मराठी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरा भी चल नहीं पाई। हमेशा एक बात याद रखना, शेर अगर 2 कदम पीछे जाए तो दैट डजंट मीन कि वो डर गया है, इनफैक्ट वो बहुत बड़ी झपटी मारने वाला है, छलांग मारने वाला है, एंड एग्जैक्टली भाऊराव नानासाहेब कराडे भी कुछ ऐसे करने वाले उनकी अपकमिंग फिल्म के साथ जिसका नाम है हैदराबाद का स्टडी। अब वैसे देखा जाए तो इस फिल्म की शूटिंग 2019 के एंड और 2020 के स्टार्टिंग में शुरू हो चुकी थी, बट कोविड के कारण ये प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया। बट आई एम श्योर 2024 में भाऊराव नानासाहेब कराडे इस फिल्म के साथ एक बहुत जोरदार जंप मारने वाले। रवि दाटी की लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर सर सेनापति हमीर और धर्मवीर थी, दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हुई, मेरी वन ऑफ द टॉप फेवरेट मूवीज में से एक है। बट एज एन एक्टर उन्होंने बल्लूच और चौक जैसी फिल्में की है जो मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थी, बट फिर भी एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 ये अपने नाम करवाने वाले हैं धर्मवीर 2। आता मराठीत मतलब जेव्हा धर्मवीर पार्ट 1 रिलीज झाला होता तेव्हा बऱ्याच लोकांचं असं मान्य होतं की एक प्रोपागेंडा सिनेमा आहे, ज्यात काँग्रेसची खूप जास्त आलोचना केली आहे, पण याबद्दल मला असं वाटतं की चित्रपट प्रोपागेंडा असो किंवा नसो फक्त तो एंटरटेनिंग असायला पाहिजे आणि टिकटिकचे पैसे वसूल झाला पाहिजे, अजून काही नको। अब मेरे लिस्ट में अगला नाम आता है सचिन पिलगावकर जी का, जिनकी 2019 में लास्ट फिल्म आई थी एज अ डायरेक्टर और उस फिल्म का नाम था अशी आशिकी, जिसको देखने के बाद लोगों ने बोला अरे ही कसली आशिकी। सो 2019 में एक डिजास्टर फिल्म डिलीवर करने के बाद एक ब्लॉकबस्टर डिलीवर करने वाले 2024 में, और इस फिल्म का नाम है नवरा माझा नवसाचा 2 स्टारिंग स्वप्निल जोशी इन द लीड। आता मराठीत मला तर मी तुम्हाला आता सांगतोय, जर या सिनेमाचा पॉझिटिव्ह वर्ड ऑफ माउथ निघाला तर हा सिनेमा आरामशीर 100 कोटीचा बिझनेस करेल, आणि जर या सिनेमाला ऑडियन्सकडे मिक्स रिएक्शन मिळाला तर 20-30 कोटी पर्यंत बिझनेस करेल, पण त्या पलीकडे तर नाही। वरुण नार्वेकर जी इससे पहिले मुरंबई आणि अनिका हवा जैसे न्यू एज रोमांटिक कॉन्टेंट बनाए, वो एक बार फिर अपना कमबैक करने वाले वैदेही एंड निपुण धर्माधिकारी के साथ, और इस फिल्म का नाम होने वाला है 1-2-3-4, और इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जियो स्टूडियोज। देखो ऑनेस्टली करो, इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुए जमाना हो चुका है, बट अभी भी ये फिल्म रिलीज होने का नाम नहीं ले रही, समझ नहीं आ रहा कि मेकर्स अपने कंटेंट को लेके कॉन्फिडेंट है या फिर नहीं। और मेरे इस लिस्ट में लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रियदर्शन जाधव, जिनकी लास्ट फिल्म चोरी का मामला थी जो डायरेक्ट ओटीटी यानी कि अमेजोन प्राइम पर 2020 में रिलीज हो गई थी। टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी ये फिल्म मुझे ठीक ठाक लगी थी, आई मीन वन टाइम वॉच तो इसको कह ही सकते हैं। बट 2024 में एज ए डायरेक्टर ये किर काटा किर नाम की मराठी फिल्म के साथ आने वाले, अब ऐसा मानना है कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, अब एग्जैक्टली कैसी होगी ये तो इसके प्रोमो से पता चलेगा। सो गाइस दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, और इनमें से आप कौन से डायरेक्टर के कमबैक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।